जो वन टाइम रिलैक्सेशन है वो आपको रिलैक्सेशन तो दे देगा, बट वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करवाएगा। आपके अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होता है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, उनको यूज करें और स्ट्रेस से बाहर निकलें। आप 2 दिन मोबाइल नहीं यूज करके देखें, आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम होगा। 4 साल के बच्चे को मोबाइल एडिक्शन हो गया है तो कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन फ्रॉम जुगाड़ी न्यूज। सो आज हम आए हैं हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में, जहां पर जो है बच्चों के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया है और सेमिनार का टॉपिक है स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। और सेमिनार के होस्ट है डॉक्टर अर्चना शर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। परसीव स्ट्रेस, तो परसीव स्ट्रेस क्या होता है? एक ऐसा कि आपका परसेप्शन क्या है किसी सिचुएशन को लेके, क्या वो बहुत पॉजिटिव है या बहुत नेगेटिव है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना स्ट्रेसफुल होंगे किसी सिचुएशन को लेके। किसी के लिए कोई सिचुएशन बहुत नॉर्मल है और किसी के लिए वो सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है। तो आइए जानते हैं हम लोग मैम से कि आखिर क्या कारण है कि आजकल के बच्चे जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और कैसे जो है वो स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस से डील कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मैम से। हेलो मैम। हाय। सो मैम, आपको कैसा लगा यहाँ पर इन बच्चों को जो है सेमिनार देकर? अच्छा है कि कुछ ऐसे सेमिनार्स हम कर रहे हैं जो शायद रिक्वायर्ड हैं आजकल की जनरेशन के लिए भी, मैं बोलूँगी, और यंगस्टर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ ना कुछ साइकेट्रिक इलनेस आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इट्स बेटर टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेस, तो इसीलिए हमने आज ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। सो लाइक मैम, स्ट्रेस है तो पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हर किसी में बढ़ता जा रहा है, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, किसी ना किसी चीज को लेके। तो कुछ एक छोटी मोटी चीजें जो वो लोग कर सकते हैं डेली लाइफ में कि वो स्ट्रेस को ओवरकम कर सके? हाँ, हो सकता है, जैसे कुछ हम बताते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं या कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, कुछ मेडिटेशन है, योगा है, ये कहीं ना कहीं हमें वन टाइम रिलैक्सेशन देते हैं। बट हाँ, प्रॉब्लम पे भी फोकस करना पड़ता है। अगर प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, सिचुएशंस नेगेटिव हैं, तो सच में उनको ठीक करना ज़रूरी है। अदरवाइज जो वन टाइम रिलैक्सेशन है वो आपको रिलैक्सेशन तो दे देगा, बट वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करवाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी ज़रूरी है। सो मैम, लाइक कभी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार ओवर थिंकिंग हो जाती है छोटी सी चीज़ों को लेकर के भी, और उसको लेकर उसी से जो है स्ट्रेस बनता है। वही मैंने बोला है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके स्ट्रेस होता है। एक तो मैनेज करना सीखें, छोटे छोटे स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। कई बार हम सोचते हैं तो छोटा सा स्ट्रेस है, चलो निकल जाएगा, देख लेंगे, पर कई बार वो डेली रूटीन का छोटा छोटा स्ट्रेस भी आपको बीमार कर सकता है। तो उसके ऊपर काम करना शुरू करें कि उनसे हमें कैसे बाहर निकलना है। हम सबके कोपिंग स्किल्स होते हैं, कोपिंग स्किल्स यूज़ करें। आपके अंदर कोई ना कोई स्किल जरूर होता है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, उनको यूज़ करें और स्ट्रेस से बाहर निकलें। मैम, HIDM के बारे में कुछ कहना चाहोगे? आप यहाँ आए हैं सेमिनार देने। हाँ, HIDM आई थिंक मनमोहन से बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ मैं, और जो एक इंस्टीट्यूट एक कुछ सिखा रहा है, अगर मुझे लगता है कोई भी इंस्टीट्यूट जो आपको कुछ अच्छी लर्निंग करवा रहा है, जो किसी को एक प्रोफेशनल ग्रोथ दे रहा है, वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना अच्छा है। और बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं क्या करें करियर में, तो मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है जो लोगों को करना चाहिए, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर ज्वाइन करें। और HIDM तो मनमोहन तो आई थिंक ट्रेंड है इस चीज़ में, बहुत सालों से चला रहे हैं और इसका नाम भी बहुत है, तो इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट और पीपल मस्ट ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। सो मैम, लाइक डिजिटल हो चुका है सब कुछ, इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है मोबाइल फोन्स लैपटॉप, तो उससे भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ रहा है? सारा स्ट्रेस ही मोबाइल का है। अब 2 दिन मोबाइल नहीं यूज़ करके देखें, आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होगा, आपको हेडेक नहीं होगा, आपको आईज़ में पेन नहीं होगा, है ना कहीं आपको हैवीनेस नहीं होगी। आप स्क्रॉल करते रह रहे हैं अगर तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपको यूज़ करना है मोबाइल का। देखिए, मोबाइल यूज़ करने के लिए बिना था, पर अब्यूज़ होना शुरू हो गया है। तो जो चीज़ यूज़ तक है उसको यूज़ तक रखिए, अब्यूज़ मत कीजिए किसी भी चीज़ का, चाहे कुछ भी है। एक्स्ट्रा एक्सेसिव यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ का तो इम्पेक्ट तो करेगा, और मोबाइल के सबसे ज़्यादा केसेस मोबाइल एडिक्शन के ही हैं। मैंने तो 4 साल के बच्चे का भी मोबाइल एडिक्शन का डायग्नोसिस बनाया है। सोचिए, 4 साल के बच्चे को मोबाइल एडिक्शन हो गया है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना। उस बच्चे के पास तो अपना मोबाइल नहीं है, फिर वो एडिक्टेड हो गया, और सोचिए जिसके पास अपना मोबाइल है उनके एडिक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मोबाइल एडिक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए कम यूज़ करें। आप कब एडिक्टेड हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आपको छोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज प्रियंका। सो आपने सेमिनार अटेंड किया, आपको कैसा लगा सेमिनार अटेंड करके, क्या कुछ जो आपको समझ आया?
सेमिनार अटेंड करके मतलब आज हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, क्योंकि मैम ने आज स्ट्रेस के बारे में बताया हमें। तो हम डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हम फील बहुत करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है हमें पता ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस में हैं। तो आज मैम ने उसकी टेक्निक्स बताई हैं कुछ मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैम ने जब हमें ये बताया कि स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो हम जिस काम में माहिर है या हम जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है तो हमें वही चीज़ करनी चाहिए स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। मेरा नाम चेतना है। सो मैम, आपको भी कभी स्ट्रेस होता होगा, तो आप उससे कैसे ओवरकम करते हैं? हाँ, कभी कभी होता है, पर मैं सॉन्ग ज़्यादा सुनती हूँ। जब स्ट्रेस होता है ना मुझे, तो सॉन्ग सुनती हूँ मैं, उससे मुझे अच्छा फील हो जाता होता है और पॉजिटिविटी मेरे अंदर आती है, तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। सो और कोई वेज जो आप मतलब यूज़ करते हो जब भी कभी स्ट्रेस हो? मैं जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता ना, तो मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ, तो उससे स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। हाँ, थैंक यू। हेलो। सो मैम, आपको कैसा लगा सेमिनार अटेंड कर? सेमिनार अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्चना मैम स्ट्रेस और उसकी मैनेजमेंट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? हेलो, लीना। सो मैम, कभी आपको स्ट्रेस होता है लाइक काम को लेकर है या टाइम उसकी वजह से भी अगर कभी स्ट्रेस होता है, तो उसको कैसे ओवरकम करते हो? सोती हूँ। सोने से स्ट्रेस रिलीव हो जाता है? थोड़ा होता है, पर ज्यादा नहीं। सो बेसिकली आपको ज्यादातर स्ट्रेस होता किस चीज का है, काम को लेकर या कुछ? काम को लेकर या कुछ बातें को लेकर। थैंक यू। सो अभी आप लोगों ने देखा कि बच्चे किस तरह से जो है स्ट्रेस को ओवरकम करते हैं पर्सनल लेवल पर। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहे जुगाड़ी न्यूज के साथ।